हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के 50 प्रश्नों को देखेंगे। आपको ये चेक करना है कि आपके इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं। अगर 40 प्रश्न के करीब सही हैं तो आपकी तैयारी हिंदी की अच्छी है, अन्यथा आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी का पेपर ही ऐसा है जिसमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा पाए जा सकते हैं कम मेहनत करके। तो इस टेस्ट को दीजिए और देखिए आपके कितने स्कोर होते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगर पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। सेकंड प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ये आपको बताना है। बताइए आपको क्या खरोष्ठी लिपि से हुआ है, फारसी से, या रोमन लिपि से, या ब्राह्मी लिपि से। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसका आंसर बी होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इस तरह के प्रश्नों में गलती बहुत ज़्यादा होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जो दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, या मूल इकाई ध्वनि की कौन किसकी होती है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। देखिए क्या आपका ये प्रश्न सही था। सोना, सोना शब्द क्या है आपको बताना है। इसमें क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है, या संज्ञा है। सोना क्या है, संज्ञा है। बच्चा पेन से लिखता है, इसमें रेखांकित पद का कारक बताना है, मतलब इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो इसमें करण कारक प्रयोग हुआ है, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसमें करण कारक होता है, जिसके द्वारा किया जाता है उसमें कर्ता कारक होता है। तो इसमें करण कारक होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। नदी, पानी, इलायची, या प्यास, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा इसमें से पुल्लिंग है। तो इसमें से पानी जो शब्द है ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये बताना है आपको। मनोहारी, भगवती, महती, या गुणवती। तो इसमें मनोहारी पुल्लिंग शब्द है। पुस्तक का बहुवचन आपको बताना है। तो पुस्तक का बहुत आसान था, ही पुस्तके होगा इसका बहुवचन। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस वाक्य में अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। इस तरह के प्रश्न ही आएंगे आपके लोअर पीसीएस में, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो आपको बताना है किस वाक्य में अनिश्चय वाचक सर्वनाम है ये बताना है आपको। तो इसमें ए ऑप्शन है, जिसमें लिखा गया है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसमें एक अनिश्चय की स्थिति पैदा होती है, तो हम इसको सही मानेंगे, हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दलित द्राक्षा में विशेषण कौन सा शब्द है, इसमें दलित है या द्राक्षा है ये आपको बताना है। तो इसमें दलित जो शब्द है ये विशेषण है। नेक्स्ट है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है, तो इसका कौन सा होगा, क्रिया विशेषण पदबंध है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है। विदेशी उपसर्ग उसी में लगा होगा जो विदेशी शब्द होगा। तो इसमें बेईमान विदेशी शब्द है, इसमें विदेशी उपसर्ग लगा है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय अंत में लगता है शब्द के। इसी तरह से घिसाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग होता है, शब्द के अंत में। तो इसमें घिसाई शब्द में कौन सा हुआ है, तो बड़ी ई है लास्ट में, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये डी होगा, सी नहीं होगा। इन सब में ध्यान रखेंगे, गलती बहुत जल्दी होती है इसमें, बाद में पता चलता है कि गलत हो गया प्रश्न। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें परम प्लस अर्थ, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। संधियां अच्छे से याद कर लेंगे। महोस धम्म शब्द का संध विच्छेद आपको बताना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें महा प्लस ओ होगा या ओ होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा या सी, ये सी होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए आपको। अगर आपको याद नहीं है तो इसमें गलती होने की संभावना है। इसका आंसर होगा ए, महा प्लस औषधम, ये सही होगा। भाषा शास्त्र
इस शब्द में आपको बताना है समास कौन सा है। तो भाषा शास्त्र में कौन सा है? भाषा का शास्त्र, इसमें तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास में दो पदों में से प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। न्याय नीति में कौन सा समास है? न्याय के लिए नीति, इसमें तत्पुरुष समास होगा। वनवासी शब्द में कौन सा समास है? वनवासी शब्द में भी तत्पुरुष समास है, वन का वासी। द्विगु समास में कोई ना कोई संख्या होती है, द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर प्रधान होते हैं, कर्म समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम तद्भव बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, इससे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है, जेठ चैत्र पहर या मक्खी। इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तत्सम तद्भव तो बताइए कौन सा है इसका आंसर, चैत्र शब्द होगा तत्सम। कौन सा इसमें शब्द तद्भव है बताना है, केला कटु कूप काक ये बताना है। तो इसमें कर्दली तत्सम होता है इसका, केले का, तो ये तद्भव हो जाएगा, कर्दली होता है इसका, तो केला इसका आंसर हो जाएगा, तद्भव शब्द है। विलोम शब्दों से संबंधित कुछ प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा, विस्तीर्ण होगा। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा, सत्कार का मतलब सम्मान करना होता है किसी का, तो इसका विलोम क्या होगा, इसका सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। विलोम शब्द बताना है इसका, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। प्रतिघात शब्द का विलोम कौन सा होगा ये बताइए, आघात होगा प्रतिघात का या घात होगा ये बताइए, ए ऑप्शन सही होगा या बी होगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, घात का प्रतिघात विलोम होता है, या प्रतिघात का विलोम घात होता है ना कि आघात। अति का विपरीत अर्थ बताइए आप, क्या बता पाते हैं इसमें, क्योंकि न्यून भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नगण्य तो शून्य होता है, तो अति का विपरीत क्या अर्थ होगा बताइए, अति का विपरीत अर्थ होगा इसमें अल्प, सही आंसर होगा, ना कि न्यून और कम और नगण्य भी नहीं होगा। गौरव का विलोम शब्द कौन सा होगा, लाघव। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही हैं ये बताइए आप, तो ये तो आसान है थोड़ा, ये रुधिर रक्त लहू ये तो सही है, ये आसान है थोड़ा। अनल का पर्यायवाची क्या होगा, अनिल का होता है समीर यानी हवा, अनल का होता है आग, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं देता है, जलज मतलब जल से उत्पन्न होने वाला, तो जल से कौन सा अर्थ नहीं देता है, तुरंत जल्दी में कमल पर निशान मत लगा देना, जलज का अर्थ होता है, का अर्थ नहीं कौन सा देगा, इसमें से मछली भी होगा मोती भी होगा, नीर नहीं होगा, डी होगा इसका। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं बताइए, इसका आंसर आप सही दे पाते हैं कि नहीं बताइए, इसमें कौन सा होगा, इसमें गिरी का भी पर्वत होता है, अचल का भी पर्वत होता है, भूदर का भी पर्वत होता है, अस्म का क्या होता है क्या आपको मालूम है, चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, शैल का अद्री का अचल का और नग का, क्या आपको पता है इन चारों के क्या होते हैं पर्यायवाची, देखिए सैल का भी पर्वत होता है, अद्री का भी पर्वत होता है, अचल का भी पर्वत होता है और नग का भी पर्वत होता है, होगा बी सही। इसमें जो अस्म है इसका होता है मतलब पत्थर या प्रस्तर, पत्थर या प्रस्तर, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अंधकार का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो ये तो आसान है तिमीर होगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बताइए क्या आप इसका सही आंसर दे पाते हैं, तरणी बड़ी की मात्रा है और तरणी छोटी की मात्रा है, इसका अर्थ बताना है, बड़ी की मात्रा है उसका क्या मतलब होता है, जो ये वाला शब्द है इसका क्या मतलब होता है ये बताइए, एक का भी अर्थ मालूम होगा तो मालूम चल जाएगा आपका सही आंसर होगा। बड़ी की मात्रा जिसमें है उसका अर्थ होता है नाव, और जो छोटी की मात्रा उसका मतलब होता है सूर्य, तो इसका ए होगा ऑप्शन सही। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का अर्थभेद बताना है आपको, तो अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या होता है जानकार, और अविज्ञ का होता है मूर्ख, बी होगा।
इसमें भी जो विलोम शब्द बहुत पूछे जाते हैं, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, अविज्ञ का विज्ञ होता है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव। तो आसान था ये भी। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए आप इसका सही आंसर कर पाते हैं कि नहीं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, क्या होगा इसका आंसर? परावलंबी, पराश्रित, पराधीन और परजीवी। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या परावलंबी होगा जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है, या पराश्रित होगा, या परजीवी होगा? बताइए। बता दिया, जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसको परजीवी कहते हैं, ठीक है। परावलंबी और पराश्रित नहीं होता है उसका, जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसको परजीवी कहते हैं। फिर परावलंबी और पराश्रित का मतलब क्या होगा ये बताइए। परावलंबी और पराश्रित का मतलब क्या होगा बताइए। देखिए, पराश्रित या परावलंबी दोनों का मतलब ये होता है जो दूसरों पर निर्भर रहने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने वाला उसको परावलंबी या पराश्रित कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं, तो परावलंबी या पराश्रित, और जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसको परजीवी कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र होता है। ये तो सही आंसर कर दिया होगा। जो आँख के समक्ष ना हो, जल्दी जल्दी में आंसर ना करें, जो आँख के समक्ष ना हो उसको क्या कहेंगे? परोक्ष। परोक्ष जो आँख के सामने होता है, और अपरोक्ष, सॉरी, जो परोक्ष होता है जो आँख के समक्ष ना हो उसको परोक्ष कहते हैं, और जो प्रत्यक्ष कौन सा होता है? जो आँख के समक्ष होता है। जो कहा ना जा सके इसका बताइए क्या होता है? क्या अकथित होता है, या अकथनीय होता है, या अकथ्य होता है? इसका होगा अकथ्य, सी आंसर सही होगा। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है, व्याकरणिक कोटियों का मतलब होता है जो लिंग, वचन या काल से जो प्रभावित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब जो प्रभावित नहीं रहता है उसको कौन सा रहता है, कौन सा है वो? तो अवयव, लिंग, वचन और काल से अप्रभावित रहते हैं ये। अब वर्तनी वाले कुछ शब्द हैं, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है इसमें से। बी ऑप्शन है ईर्ष्या। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं वर्तनी वाले शब्द में। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ये बताइए। त्यौहार, उत्तरदायित्व, दोनों सही लग रहे हैं। कौन सा इसमें से सही है, त्यौहार और उत्तरदायित्व में? बताइए। त्यौहार शब्द में ओ की मात्रा नहीं होगी, सिर्फ एक मात्रा रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तरदायित्व सही है, बी सही है। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं ये बताइए। फर्स्ट देखते, पहले सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है, नौ की जगह आधा मुआ होगा। तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, तो ये गलत हो गया। बी है, सेकंड ऑप्शन बी में भी वही है, संप्रति और तदु और संस्कृत, ये भी दोनों गलत है। तदुपरांत और सम्मुख, ये देखिए ये सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है फिर सही वर्तनी वाला कौन सा है शब्द, तो ये थोड़ा प्रश्न गलत है, इसमें बी और डी दोनों ही सही हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कवयित्री होता है इसका, सही ये वाला है। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है बताइए। ये वाला है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, या मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, या भारत में अनेकों जातियाँ हैं बताइए। इसमें देखिए, पहले डी को देख लेते हैं, भारत में अनेकों जातियाँ नहीं, अनेक जातियाँ हैं, ये सही होगा। इन्हें एक पुत्र है, इनकी वजह इनके एक पुत्र है, ये होगा, यह मेरी पुस्तक होगा, तो ये तीनों गलत है। ये वाला सही है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। फिर से नेक्स्ट है कि सही या शुद्ध वाक्य छाटना है, कौन सा सही है इसमें, तो वह सब भले लोग हैं, भीड़ में चार जयपुर के व्यक्ति थे, तो गलत हो गया, क्योंकि भीड़ में चार जयपुर के नहीं, जयपुर के चार व्यक्ति होगा। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ये सही है। वह सारे गुप्त रहस्य, गुप्त रहस्य में एक ही वर्ड यूज हो सकता है, और वह सब भले लोग हैं, ये भी गलत होगा, तो इसका होगा सी। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है बताइए इसका, तो इसका ए होगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ। किस क्रम में उष्म व्यंजन नहीं है ये बताना है, उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तीनों स और ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं, और य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो उष्म व्यंजन ये नहीं है।
आकाश शब्द का उचित पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो ये बहुत आसान है, अंबर होता है। सूरज शब्द का उचित पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? तो दिनकर। तो ये 50 प्रश्न थे, आपके कितने सही हैं जरूर बताएं। इसमें कुछ अघोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण से संबंधित कुछ प्रश्न नहीं थे, वो आने वाले टेस्ट में आपको मिल जाएंगे उससे भी संबंधित प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।